स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिया का। सो सारे स्टूडेंट जिहड़े आस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा वास्ते जाना चाहते हैं अज का शो जरूर देखन। अज के शो के बहुत सारे इंपोर्टेंट एस्पैक्ट्स इनकलूडिंग फंड्स, बाकी डॉक्यूमेंट्स, एम्बैसी का की रुझान है, वह सारिया चीज़ा डिस्कस करांगे। साडे नाल मौजूद ने ब्रॉडवे इमीग्रेशन के सीनियर कंसल्टेंट जगप्रीत सिंह जी, स्वागत है जी। थैंक यू दीपक जी। सो जगप्रीत जी, प्रेजेंटली ऑस्ट्रेलिया का की ट्रेंड है, एम्बैसी का की ट्रेंड है, फंड्स नूं लैके की रुख है? बिल्कुल दीपक जी, प्रेजेंटली अगर असी देखिए तो ऑस्ट्रेलिया एक इदां दा कंट्री सी जिहदे लई स्टूडेंट्स मोस्ट अवेटेड सीगे, और अनडाउटेडली जदों ऑस्ट्रेलिया ने अपनियां प्रोसीडिंग्स नूं स्टार्ट कीता तो उहदे विच बहुत ही फास्ट प्रोसैसिंग आपां नूं देखी, एक बहुत रिलैक्सड मोड दे विच एप्लीकेशनस दे अप्रूवल भी आए जिहदे विच स्टूडेंट नूं रिजल्ट विद इन 7 days 10 days भी मिले, ऑफर लैटरस भी यूनिवर्सिटीज तो बहुत फास्ट रिस्पोंड कर रही सी। बट करंट सिचुएशन नूं लैके जिहदे विच स्टूडेंट्स हुण प्रेजेंटली चल रहे हैं, सो रिजल्ट्स नूं लैके स्टूडेंट्स दे लगातार क्वेश्चन सी कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन जिहड़ा है एक किस तरीके नाल रिस्पोंड कर रहा है, रिजल्ट्स नूं क्यों डिले हो रहा है। सो प्रेजेंट सिचुएशन दे विच रिजल्ट्स जिहड़े ने ऑन एन एवरेज 30 days दे आसपास दा रिजल्ट है, बट कुछ एप्लीकेशनस जिहड़ियां ने वो इस तो उपर भी जा चुकियां ने, बट नॉट टू वरी, जिहड़ियां ऑलरेडी हाई कमीशन च ने, एक कैनेडा वाली सिचुएशन नहीं हैगी, थोड़ा डिले इस करके है कि कुछ आपां स्पेसिफिकली गल करिए तो कई बार आपां देखते हैं कि स्टूडेंट्स कुछ या कंसल्टेंट कोई अनफेयर मीनस का भी जिहड़ा एक रस्ता है वह भी अपनाउंदे ने। सो करंट सिचुएशन दे विच फेक डॉक्यूमेंट्स नूं लैके फंड्स दीआं प्रेजेंटेशनस नूं लैके एम्बैसी जिहड़ा है यह थोड़ा जिहा क्लोजली और प्रिसाइजली मोनीटर कर रही है, जिहदे करके प्रेजेंट सिचुएशन थोड़ी जी डिले, यानी कि उहदे विच आपां नूं प्रोसैसिंग च थोड़ा जिहा लैग मिल रहा है। सो स्टूडेंट्स जिहड़ियां भी एप्लीकेशनस नूं आउण वाले समें च प्रोसीड कर रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स नूं लैके थोड़ा जिहा बिल्कुल अवेयर रहन। जो भी कंसल्टेंट तुसीं ऑप्ट कर रहे हो, मैं देखदा दीपक जी स्टूडेंट पैकेजेस विच बहुत आउंदे ने, नो प्रॉब्लम, पैकेजेस करने चाहिए है, ठीक है, उहदे विच सिचुएशनस है, तुसीं अपने फाइनेंसिस नूं किन्ना क रिस्क ते लैके आउंदे उस पॉइंट ऑफ व्यू ना, अगर तुसीं पैकेज कर रहे हो किसी एजेंट दे नाल तां नीड नॉट टू वरी, बट अगर तुसीं एक पैकेज कर रहे हो कि मेरे डॉक्यूमेंट फेक ला दिते जाण, मेरी मार्कशीटां बदल दित्तियां जाण, तो दिस इज एब्सोल्यूटली रोंग, यह तुसीं शॉर्ट टर्म है। सो जगप्रीत जी, बहुत सारे स्टूडेंट का कहा जा रहा एक कि इस तरीके का रहा वा, सो वो स्टूडेंट्स नूं तुसीं जनरली जिन्हां ने हजे फाइल लगानी उन्हां नूं की कहना चाहोगे, क्योंकि या तो स्टूडेंट लगा रहे ने उन्हें लग रहा मेरी एलिजिबिलिटी नहीं, या शायद मैं वाला डॉक्यूमेंट लगा दा तो मेरी एलिजिबिलिटी वध गई, की करन की सैकेंड वे की है कि कंट्री चेंज करन या जो है एज इट इज़ फाइल। देखो दीपक जी, साड़ी तो हमेशा कोशिश रहती है कि स्टूडेंट के प्रोफाइल में, प्रोफाइल की होंगे उहदियां अकैडमिक क्रेडिबिलिटीज़ ने, उहदियां इंग्लिश क्रेडिबिलिटीज़ ने, उहदे गैप ईयरस ने, यह पॉइंट्स नूं पहला प्रिलिमिनरी स्टेज के उत्ते आपां नूं समझना चाहिए, इन्हां दे गो थ्रू होना चाहिए। एंड अगर साडा प्रोफाइल किसी भी स्पेसिफिक कंट्री जिहदे भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, अगर वो कंपैटिबल है, मीनस वो अकैडमिक्स जिहड़े ने असैप्टिड ने, गैप ईयरस असैप्टिड ने, इंग्लिश क्रेडिबिलिटीज ठीक है अकैडमिक, दैन अदरवाइज़ कोई जरूरत नहीं है आपां नूं भेड चाल दे विच पैण दी जरूरत नहीं है। अगर अपना ऑस्ट्रेलिया नहीं हो पा रहा तो यूके एक बहुत उहदा ऑल्टरनेट वधिया बणिया होया जिहदे विच स्टूडेंट्स नूं 4-5 years का गैप भी अवेलेबल है, प्लस टू तो बाद ग्रैजुएशन तो बाद 10 साल तक का गैप है। सो ऑस्ट्रेलिया करो, बेफिक्र होकर करो, क्योंकि इतने हायर एजुके स्टडीज़ के बहुत पॉजिटिव आउटकम्स ने, बट कंडीशन है कि अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन नू लेके चलो और उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोसीड अप करो जी। सो स्टूडेंट्स किसी दी गल्लां दे विच आ के गलत डॉक्यूमेंट ना लगाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नू बैन का भी सामना करना पिया, सो ये सारिया चीज़ों चो बच के किसी सही कंसल्टेंट तो सलाह लो, क्योंकि ये जिहड़े शॉर्टकट थोनू दसे जा रहे हैं कई बार थोनू बहुत महंगे पै जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी। स्टडी वीज़ा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज़, कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब।